ऐसा भी होता है कि कभी कभी रुपया मजबूत हो, ये कब होता है सर? मजबूत तब होता है जब डॉलर अंदर आए। राइट, डॉलर कब आएगा? या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, कोई बाहर की कंपनी आकर बोले हम यहाँ पर बड़ा खरीदारी करने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ बड़ा निवेश करेंगे, 25-50 हजार करोड़ रुपए लगाएंगे या डॉलर लगाएंगे, जो भी लगाएं। Exactly. तो विदेशी निवेश जब आए डॉलर लेकर आते हैं वो आए, या फिर FIs आए। करेक्ट, जैसा FIs बेचकर निकलते तो रुपया कमजोर होता है, FIs पैसा लेकर आते हैं, लाते हैं डॉलर, बिल्कुल लाते, खरीदते रुपया। तो जैसे रुपया खरीदो, जो चीज खरीदोगे उसका दाम बढ़ेगा, है ना। सो FDI आया तो भी आपको रुपया खरीदना है, डॉलर को रुपए में बदलो, रुपया खरीदो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया बाजार में, रुपया खरीदो, ये बढ़ेगा। और तीसरी चीज एक और है, बहुत सारे विदेशी रहते हैं, विदेशियों में भारतीय रहते हैं, है ना, यहां से जाकर वहां सेटल हो गए, अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में, सब जगह, वो भी अपने देश में पैसा भेजते हैं, अपने परिवार वालों को पैसा भेजते हैं। तो डॉलर अगर देश के अंदर आ रहा है तो डॉलर तो रुपया मजबूत होगा। तो रुपए की मजबूती के पीछे कारण सारे बाहर के हैं, हमारे अपने कम है। अपने कम है, इकोनॉमी से जुड़े हुए, ब्याज दरों से जुड़े हुए, लेकिन अल्टीमेटली ज्यादा बाहर के कारण है। मेन फैक्टर डॉलर चाहिए, क्योंकि हमें डॉलर की जरूरत ज्यादा होती है, और डॉलर चाहिए तो, और डॉलर आएगा तो रुपया मजबूत होगा। समझ गए, तो एंड ऑफ द डे सप्लाई डिमांड, ये एग्जैक्टली ठीक है सर।